हे गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज उठते ही मेरा मन है कि मैं बाहर जाऊं, शॉपिंग करके आऊं। बहुत दिन हो गए एक्चुअली मैं बाहर नहीं गई। सो चलो, सारा कुछ मैंने डन कर लिया है, एवरीडे रूटीन डन। सो मैं स्ट्रेट मिलती हूँ आपको स्टोर में। सबसे पहले मैं आई हूँ आर्डन में। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आई हैं स्प्रिंग एंड समर के लिए और रेडी आ चुकी हैं। उसकी मैं स्पेशल सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, लाइक जैसे मैं डिटेल में बनाती हूँ। एंड जे आर्डन में कुछ चीज़ें हैं एंड 40% ऑफ है। एंड इन दिनों में क्या होगा, जो विंटर की चीज़ें थी लाइक बूट, जैकेट्स, ऐसी चीज़ें, उन पे आपको बहुत ही सारा डिस्काउंट मिलेगा। सो अगर आप जाना चाहते हो इन दिनों में, जाकर देखना, आपको बहुत ही अच्छी अच्छी सेल्स मिल जाएंगी लाइक डिस्काउंट पर चीज़ें। सो जो कुछ नए हैं समर के लिए इन आर्डन, एंड इसके बाद मैं अपने फेवरेट स्टोर में भी जाऊंगी। सो जहाँ बहुत ही अच्छी अच्छी एक्चुअली चीज़ें आई हुई हैं, जे कुछ है समर की कलेक्शन लाइक स्कर्ट्स, शॉर्ट्स एंड मैचिंग टॉप। अब मैं आ गई हूँ विनर्स में, एंड विनर्स में आपको बहुत ही अच्छी अच्छी ज्वेलरी ऐसे मिल जाएगी किसी को गिफ्ट देना चाहते हो, जो स्टर्लिंग सिल्वर की है। एंड इन दिनों में जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया, विंटर वुड्स पर सेल है। एंड ये कुछ है जो समर की कलेक्शन है, दिस इज़ रियली रियली प्रीटी। जैसे मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है, जहाँ से आपको ब्रांडेड चीज़ें मिल जाती हैं, ब्रांडेड शूज़ के साथ ब्रांडेड पर्सेज। एंड मैं हमेशा वीडियो में स्टोर का नाम शेयर करती हूँ, आप फिर आके कमेंट करते हो जी कौन सा स्टोर है। सो वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ पूरा डिटेल में देखा करें, एंड फिर वही सेम क्वेश्चन ना करा करें प्लीज़। सो यहाँ से आपको ब्रांडेड पर्सेज मिल जाते हैं। सी के डी के एन वाई की बहुत सारी कलेक्शन आई हुई है, अराउंड 189, जहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे अच्छे 79 के पर्सेज मिल जाते हैं। एंड ब्रांडेड पर्सेज के साथ आपको ब्रांडेड मेकअप एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स एंड बहुत ही अच्छे टूल्स भी मिल जाते हैं, जो आप प्राइस एंड डिटेल देख सकते हो। जहाँ से आप अफोर्डेबल किचन के पैन पॉट्स भी ले सकते हो, डिटेल में मैं हमेशा आपके साथ वीडियो शेयर करती रहती हूँ। एंड स्टे ट्यून, अपकमिंग वीडियोस में मैं डिटेल में और ज़्यादा आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी समर कलेक्शन, क्या क्या नया आया है स्टोर्स में। आज तो थोड़ा सा मेरा मन था कि मैं बाहर निकलूँ, कितने दिन हो गए मैं शॉपिंग के लिए नहीं आई थी। सो जहाँ कुछ स्टील के पैन पॉट्स हैं जो आप देख सकते हो, सो विनर से होम सेंस एंड मार्शल से आपको सिमिलर चीज़ें मिल जाती हैं। सो अब मैंने अपना मन खुश कर लिया है, अब मैं जाऊंगी सीधा घर। अब मैं आपके साथ क्विक इजी अपना डिनर शेयर करूंगी। आज रियलिस्टिक वीडियो रखूंगी, मेरी वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें कट कर देती हूँ, मेन पर ही फोकस करती हूँ। अगर आप मेरी लंबी वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट जरूर करना, सो फिर मैं सारा कुछ कवर करूंगी इन डिटेल। सो ओके, ये है स्वीट पोटैटोज़। स्वीट पोटैटोज़ की फ्राइज बेक करके खा के देखना, बहुत ही अच्छी लगती है। सो इसको बेक करने के लिए मैं रख दूँगी, एंड एक साइड पर मैं वाटर ले रही हूँ, इसको बॉयल करूँगी। आज मेरे डिनर में किनुआ भी है, किनुआ का सैलड भी बनाऊंगी। इसके लिए सारी चीज़ों को प्रेप करूंगी, एंड बॉईल करने के लिए मैंने किनुआ रख दिया है।
एक साइड में पिरोगी को बॉईल कर रही हूँ। इसके हमेशा एक एक पीस ही ऐड करना, अगर आप इकट्ठा ही उसको डाल देते हो तो वो फिर चिपक जाती है। जैसे ही आप डालते हो तो उसको एक बार मिक्स कर दें एंड थोड़ा सा ऑयल इसमें ऐड कर दें, फिर अच्छे से बॉईल हो जाती है। अब मैं बटर एंड बेसन के पक्स यूज़ कर रही हूँ। ये पक्स आपको कैसे बनाने हैं, कैसे आप मील प्रेप कर सकते हो, एक वीडियो मैंने शेयर किया, आई थिंक 2-3 वीडियोस मैंने शेयर किया कि कैसे आप मील प्रेप कर सकते हो, उस वीडियो को जरूर चेक कर लेना। इसको मेल्ट करने के बाद मैं अपनी चॉइस ऑफ वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर रही हूँ एंड इसमें मैं रेडी करूँगी सॉस फॉर पिरोगी। वेजिटेबल्स को पकाने के बाद इसमें मैं सॉल्ट पेपर, सम हर्ब्स, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर ऐड करके फिर मैं इसमें सॉस भी ऐड करती हूँ। आज मैं अल्फ्रेडो वाइट सॉस यूज़ कर रही हूँ। अब मैं किनुआ का सैलड रेडी करूंगी। ऐसे ही आप चिकपी का सैलड रेडी कर सकते हो। पिरोगी भी बॉयल हो चुकी है, जब ऐसे टॉप पे फ्लोट करने लग जाए इट मीन्स ये डन हो चुकी है। अब सॉस तो मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई थी, उसमें मैं इसे जेंटली ट्रांसफ़र कर दूंगी। किनुआ भी बॉयल हो चुका है, जब इसकी रिंग्स सेपरेट हो जाए इट मीन्स इट इज़ डन। अब इसको मैं स्ट्रेन करूँगी एंड ठंडे पानी से इसे मैं वॉश करूँगी एंड फिर सैलड रेडी करूँगी।
ऐसे मेरा आज क्विक इजी डिनर रेडी हो चुका है। हम इंजॉय करेंगे डिनर। राइट आफ्टर डिनर डन करने के बाद मैं अपनी किचन को क्लीन करती हूँ। सो डीप क्लीन करूँगी अपनी किचन को। एवरी डे मैं अपनी किचन को 20-25 मिनट्स देती हूँ। जब आप कुकिंग करते हो ना, बहुत सारे छींटे पड़ जाते हैं ना, बैक स्प्लैश। सो मेरी हैबिट है कि उसे हमेशा क्लीन करना। अगर आप साथ साथ में नहीं करते तो फिर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। अब सारे क्रम्स को इकट्ठा करके मैं स्टोव को क्लीन कर रही हूँ। मेरे पास है ग्लास स्टोव एंड इसका जो ग्लास टॉप है ना, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत हार्ड होता है। सो इसे जल्दी जल्दी क्लीन करते रहें। इसकी डिटेल वीडियो मैंने शेयर की है आपके साथ इन माई किचन क्लीनिंग वीडियो, एंड कैबिनेट्स को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो, कौन कौन से क्लीनिंग प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू चेकआउट ऑल दैट वीडियोज। आज मैंने अपने ब्लॉग को रियलिस्टिक ही रखा है। मुझे बताना कि आपको ऐसा ब्लॉग अगर देखना है तो फिर मैं ऐसा ही बनाऊंगी आपके लिए। एंड अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अदर वीडियोस को भी चेक कर लेना। अब मैं मिलूंगी आपको अनदर कमिंग वीडियो में। एंड देन टेक केयर गाइस, लव यू एंड बाय गाइस।